रोज़ेदार हो, अल्लाह नबी के प्यार हो, उठ जाओ, सहरी के लिए उठा दो घर वालों को, मोबाइल साइड पर रख दो, सहरी की तैयारी कर लो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ रमज़ान की छठी रात छठी सहरी के साथ। तो अभी चल के अभी देखते हैं कि अम्मी क्या बना रही है। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और बताना कि मेरी कैसी वीडियो लग रही है आप लोगों को। थोड़ी छोटी इसलिए हैं क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ इतना होता नहीं है दिखाने को। मैंने सहरी अफ्तारी ज़्यादा ज़रूरी होता है रमज़ान में, तो वही दिखाएंगे आपको। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी। कोशिश तो यही है कि पूरे 30 दिन तक बनाए। अभी तक तो माशाल्लाह से सही चल रहा है, बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी। और ये कि रोज़े माशाल्लाह से मेरे भी अच्छे गुजर रहे हैं, उम्मीद है आप लोग के भी अच्छे गुजर रहे होंगे। बस ये कि थोड़ी गर्मी बढ़ गई है और आगे भी थोड़ी गर्मी और इम्कान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का। लेकिन एक है कुदरती, अल्लाह ताला अपने बंदों पे रहम कर ही देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो चलते हैं, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया हो तो लाइक करना, शेयर करना। तो अभी चल के देखते हैं कि सहरी में क्या बन रहा है। ओके, स्टे ट्यून। तो भाई आज हमारी सहरी में बन रहे हैं पसंदे। ये इतना चिकना क्यों है? चलो भाई, और आप लोग को अगर खाना हो तो अपने घर में बना के खा लीजिए। गोश्त तो होगा सबके घरों में, तब तक बन जाएगा, अभी गलेगा गोश्त। चलो वेट करना पड़ेगा। तो भाई हमारे सहरी रेडी है। ये पराठा, ये पसंदी और ये चाय। लस्सी वो जब पीते हैं या वो तो बाद में पीते हैं। तो एंड में सहरी ख़त्म होने से पहले तो ये क्या हम करते हैं सहरी, जब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए या फिर आप लोग भी कुछ खा लीजिए पी लीजिए अगर देख के भूख लग रही है तो। ओके, स्टे ट्यून। जी भाई, तो हमने सहरी भी कर ली है, अब लस्सी का टाइम है, अजान होने वाली है, हम लस्सी पी रहे हैं। पर वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे, और उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही होगी। अभी थोड़ी देर में अजान होगी, फिर आपको थोड़ी सी अजान सुनाऊंगा, उसके बाद वीडियो एंड कर दूंगा। फिर आपसे मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो फिर अफ्तारी में मुलाकात होगी। फिर अफ्तारी से फिर आपको दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, स्टे ट्यून। चलो भैया, सहरी का टाइम ओवर हो गया। मोबाइल रखें और नमाज पढ़ेंगे। हाँ जी, तो वीर बैक और तारी टाइम हो गया है। और मेरी तरफ से आपके आपके घर वालों को रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ में याद रखिएगा और ख़ासतौर पर अफ्तारी के वक्त तो और ज़्यादा याद रखिएगा। जुम्मे के दिन उस वक्त दुआ कबूल होती है। वैसे दुआ तो अफ्तारी के हर अफ्तारी के वक्त कबूल होती है, लेकिन ये कि जुम्मे की खासियत आप लोग सबको ही पता ही है। तो अपने घर वालों को भी याद रखिएगा दुआ में, मेरे घर वालों को भी याद रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा। तो ये कि अभी चलते हैं, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, बस मेरे ख्याल से आधा घंटा रह गया। और चल के देखते हैं कि क्या बन रहा है आज, शायद कुछ अच्छा सा है। ओके, स्टे ट्यून। भाई आज अफ्तारी में हम ये खाएंगे, वो तलना तलाना बहुत हो गया। फिर मैंने मम्मी को बोला एक दिन का ब्रेक लेते हैं, आज हम पिज़्ज़ा खाएंगे। बस पिज़्ज़ा है और कुछ तलने की चीज़ें, समोसे सही। जब रेडी होगा ना फिर आपको दिखाएंगे। भाई तो ये हमारी अफ्तारी रेडी है, ये पिज़्ज़ा और ये थोड़ा सा समोसा वमोसे, क्योंकि मम्मी इतने शौक से खाती नहीं है, और चाट शरबत वगैरह है। तो ये अजान होने वाली है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रोज़े कबूल करे और हम सबकी इबादतें कबूल करे। तो मैं अभी अफ्तारी करूँगा, फिर अफ्तारी के बाद आपसे मिलता हूँ मैं। ओके, स्टे ट्यून। चलो भाई, तो अल्लाह का अलग शुक्र है कि हमारी अफ्तारी भी हो गई है। अब ये कि मैं वीडियो एंड करता हूँ, फिर हम बाकी के काम निपटाते हैं। फिर आपसे इंशाल्लाह ताला सातवीं सहरी पे मिलते हैं रमज़ान की सातवीं रात में, फिर आपको वहाँ से फिर अपडेट करेंगे। तो ये कि अभी चाय टाइम हो गया, अभी जाके चाय पियेंगे, उसके बाद फिर मैं अभी ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। फिर आपसे मैं मिलता हूँ सातवीं सहरी में, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।